हेलो टू ऑल द रनर्स ऑफ मैथेडिक मैथ्स अड्डा. माई सेल्फ विनय पांडे. स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो एक नया टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने. वो है बीटा एंड गामा फंक्शंस. बीएससी फर्स्ट ईयर में और इसके अलावा फिजिक्स में इंटीग्रेशंस के कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाते हैं. उन क्वेश्चंस को हम बीटा गामा फंक्शंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये बीटा गामा फंक्शन मैथ्स के इंटीग्रल कैलकुलस का एक टॉपिक है. जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसके चैप्टर्स की एक नई सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके सामने. तो उस सीरीज में बीटा गामा फंक्शन जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में भी ऐसे काफ़ी इंटीग्रल्स होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाते. तो इसके अलावा एमएससी में स्पेशल फंक्शन में भी ये जो इंटीग्रल बीटा गामा फंक्शन है वहाँ भी यूज होता है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम बीटा गामा फंक्शन के बारे में पूरा चैप्टर कवर करेंगे. आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पे. बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हम देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज हम आज देखेंगे. इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे बीटा फंक्शन से रिलेटेड, जो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं. उसके बाद गामा फंक्शन एंड उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम देखेंगे. तो आज का जो वीडियो बेस्ड है वो है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज. न्यूमेरिकल्स हम जो है इसके अगले वीडियो से शुरू करेंगे. तो बीटा फंक्शन देखते हैं सबसे पहले. द डेफिनेट इंटीग्रल, आपको पता है डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप के इंटीग्रल होते हैं, जिसमें अगर इंटीग्रेशन में लिमिट आपको दी है तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है. बीटा फंक्शन क्या है? एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है. एक पर्टिकुलर एक इंटीग्रल लिया हुआ था, ये इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1. एम और एन क्या है? दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है. एम और एन की वैल्यूज, दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी. इस तरीके के इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? बीटा इंटीग्रेशन या बीटा फंक्शन. तो बीटा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा एम एन. इसको बीटा एम एन बढ़ाया जाता है. तो बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 टू 1 एक्स की पावर एम माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1. तो इस टाइप की जो इंटीग्रेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा एम एन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 0 से 1 एक्स की पावर 3 और 1 माइनस एक्स की पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 टू 1 एक्स की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1. तो ये बीटा फंक्शन बन रहा है, और बीटा फंक्शन के साथ एम कितना आ रहा है? 4, और एन कितना आ रहा है? 6. तो इसको हम लिखेंगे बीटा 4 6. फिर बीटा 4 6 को भी कैसे सॉल्व करते हैं, अभी हम बाद में आगे के वीडियोस में हम सॉल्व करेंगे इसको. तो जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल होते हैं उन इंटीग्रेशन को हम कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन, जैसे 0 से 1 का जो इंटीग्रेशन है, अगर इस फॉर्म का कोई इंटीग्रेशन है तो उसको हम बीटा फंक्शन की हेल्प से बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं. पहले बीटा फंक्शन में उसको कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ये फैक्टोरियल के टर्म्स में ब्रेक होता है, और उसके बाद हम बड़े इजीली इसका न्यूमेरिकल आंसर निकाल सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के, जो हम 12th से इंटीग्रेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो बिना इंटीग्रेशन के आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो. तो बीटा फंक्शन इज स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रल ये है, और 0 से 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डीएक्स, इसी को हम क्या बोलेंगे? बीटा फंक्शन. आपको याद क्या रखना है कि फॉर्म, और दूसरा ये याद रखना है कि एम और एन दोनों के यहाँ पे पॉजिटिव है. अब हम देखते हैं बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज. ये तो बात होगी बीटा फंक्शन की. प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन. बीटा फंक्शन की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है. यानी कि बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों क्या होते हैं? इक्वल. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन. ऐसे भी आ सकता है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम. इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है बीटा एम एन. बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है 0 टू 1 एक्स की पावर एम माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डीएक्स. एम और एन क्या है? दोनों पॉजिटिव है. डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स आपको निकालना है, तो ये किसके इक्वल होता है? फोर्थ प्रॉपर्टी की. फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है 0 टू a, इसको हम लिख सकते हैं एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करते हैं. 0 टू 1
एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन, और यहाँ पे वन माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे भी, एन माइनस वन डी एक्स। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी, पी फोर प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, जीरो टू वन, वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो यानी कि ये बन रहा है जीरो टू वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। देखिए जो आपका बीटा एम एन का फॉर्मूला था वो क्या था, जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन को हमने बीटा एम एन बोला था। तो एक्स की जो पावर यहाँ पे एम थी वो पहले आ रही है, वन माइनस एक्स की पावर एन जो थी वो बाद में आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स की पावर पहले क्या आ रही है, एन। तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पहले टर्म में एक्स की पावर जो आ रही है, जो हमको पहले लिखनी चाहिए वो एन आ रही है, और सेकंड नंबर पे क्या आ रही है, एम। तो बीटा एम एन को हमने सॉल्व किया, और बीटा एम एन को सॉल्व करके हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, बीटा एन एन के। तो ये पहली प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, कि बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन। आइए अब देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बीटा एम एन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे, एम माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल टर्म आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, तो ये वही फैक्टोरियल है, एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक इंटीग्रेशन आपको बताया था जिसको सॉल्व करके क्या बन रहा था, बीटा फोर सिक्स। उसके बाद आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो ये कितना है, एम माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि फोर माइनस वन का मतलब थ्री फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है, दोनों का सम 10, फिर माइनस वन यानी कि नाइन फैक्टोरियल। और ये बड़े इजीली आप इस फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बीटा फंक्शन से आप इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चंस में भी यूज करना होगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन में भी इसको पूछा जा सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, कि बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, और सेकेंड प्रॉपर्टी हमको ये प्रूव करनी है। सॉल्व करते हैं, वी हैव बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या था, जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, और इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, आइलेट वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर एम माइनस वन का एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस वन, यानी कि एक्स की पावर एम, और अपॉन में भी एम आ जाएगा, लिमिट क्या है, जीरो से वन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू, और फिर वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स की पावर एम माइनस वन का इंटीग्रेशन हमने किया था, ये आ रहा था डीएक्स। पहले वाले टर्म में अगर हम लिमिट लगाएंगे, हायर लिमिट लगाएंगे, तो एक्स की जगह पे वन रखेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो, और लोअर लिमिट में अगर आप यहाँ पे जीरो रखेंगे तो इस पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। यानी कि जो पहला टर्म है इसमें हायर लिमिट में भी ये जीरो बन रहा है और लोअर लिमिट में भी ये जीरो बन रहा है, तो आपके पास सिर्फ सेकंड टर्म बचेगा। सेकंड टर्म में आप देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है बाहर, एम एन माइनस वन बाहर आ रहा है और एम बाहर आ रहा है, जीरो टू वन क्या बच रहा है, एक्स की पावर एम और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हमको मिल गया है, जब हमने इसको एक बार इंटीग्रेट किया है तो हमको ये वैल्यू मिल रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एन माइनस वन अपॉन एम जीरो टू वन, एक्स की पावर एम को मैं लिख सकता हूं एम प्लस वन माइनस वन, और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू को मैं लिख सकता हूं एन माइनस वन डी एक्स। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसके पीछे भी रीजन ये है, आपको बीटा फंक्शन में जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, क्या था, जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे दोनों टर्म में जो पावर आनी चाहिए वो माइनस वन उसमें आना चाहिए हमेशा, तभी वो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बन पाएगा।
अब इससे कंपेयर करें आप इसको, अगर m माइनस वन है तो यहाँ पे m आता है, यहाँ पे देखिए कितना है m की जगह पे, ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बन रहा है लेकिन m की जगह पे क्या आ रहा है, m प्लस वन, और n की जगह पे क्या आ रहा है, n माइनस वन। तो हमने क्या देखा, बीटा एम एन को अगर हमने एक बार सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, आइडेंट लगाया, तो एक बार इंटीग्रेट करने पे क्या हो रहा है, इससे एम माइनस वन एक टर्म यहाँ कम हो जा रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, एम से एम प्लस वन बन गया, और यहाँ क्या बन गया, एन माइनस वन। इसी को अगर हम एक बार और ऐसे सॉल्व करेंगे, अब हम बार बार इसको इंटीग्रेट नहीं करते रहेंगे, हम सिमेट्री से आंसर निकालेंगे। अगर एम यहां ले रहा हूं तो यहां एम प्लस वन आ रहा है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए आप, अगर मैं इसको दोबारा से एक बार और इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ एम से एम प्लस वन बना, अब एम प्लस वन से क्या बन जाएगा, एम प्लस टू बन जाएगा, यहाँ एन था, यहाँ एन माइनस वन बना, तो एन माइनस वन से यहाँ क्या बन जाएगा, एन माइनस टू, ये टर्म तो इसमें आते रहेगा। अब एक टर्म इसके साथ फ्रैक्शन में और आएगा, इसमें देखिए आप, यहाँ पे एम प्लस वन है तो यहाँ क्या आ रहा है, एम आ रहा है, उससे एक कम, तो यहाँ एम प्लस टू आ रहा है, तो यहाँ कितना आ रहा होगा, एम प्लस वन आ रहा होगा, एन माइनस वन है यहाँ, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा था, एन माइनस वन, तो वही टर्म यहां भी आ रहा है, एन माइनस वन यहाँ है तो एन माइनस वन यहाँ भी आ रहा है, तो ये कितना आएगा, एन माइनस टू। तो हमने क्या किया, बीटा एम एन को एक बार सॉल्व किया, एक बार सॉल्व करके हमको ये मिल गया। तो हमने यहां से सिमेट्री से निकाला कि अगर हम इसको एक बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बीटा एम एन में यहाँ एम प्लस वन और एन माइनस वन बन जा रहा है, इसको फिर से बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर एम प्लस वन क्या बन जाएगा, एम प्लस टू, एन माइनस वन क्या बन जाएगा, एन माइनस टू, और यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर से इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये दो टर्म तो आएंगे आएंगे, एन माइनस टू, एम प्लस वन, अब क्या होगा, पहले एम था, फिर एम प्लस वन बना, फिर एम प्लस टू बना, अब क्या बन जाएगा, एम प्लस थ्री, और ये क्या बन जाएगा, एन माइनस थ्री, यहां पे कितना आ जाएगा, एन माइनस थ्री, और यहां पे कितना आ जाएगा, एम प्लस टू। अब इसी तरीके से अगर हम इसको सिमेट्री से निकालते रहेंगे तो सिमेट्री से निकालने के बाद क्या होगा, बार बार इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो बीटा एम एन सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ये टर्म ऐसे आते रहेंगे, एन माइनस वन अपॉन एम, एन माइनस टू, एम प्लस वन, एन माइनस थ्री, एम प्लस टू। अब ध्यान से आप स्टेप को देखिए, पहली बार में जब हमने सॉल्व किया था बीटा एम एन को, तो बीटा एम एन में कितना आ रहा था, यहाँ आ रहा था एन माइनस वन अपॉन एम आ रहा था, और बीटा फंक्शन में क्या आ रहा था, एम प्लस वन और एन माइनस वन। इसको ध्यान से देखिएगा, पहली बार में एक टर्म आ रहा था एन माइनस वन, एन माइनस वन हर एक मिनट चल रहा है, फिर दूसरी बार अगर हम उसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो एन माइनस टू आ रहा था, तीसरी बार में क्या आ रहा था, एन माइनस थ्री, और ऐसे ही अगर हम इसको एन माइनस वन टाइम्स करेंगे, क्योंकि अगर आप एन टाइम्स करोगे तो ये एन माइनस एन आ जाएगा, जीरो बन जाएगा, लेकिन उससे अगर पहली बार करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे वन आएगा, ये सीरीज क्या होती है, कम होते जा रही है, ये तो बन जाएगा वन, और बीटा के साथ यहां अगर एन माइनस वन आ रहा है तो यहां भी एन माइनस वन आ रहा है, यानी कि इसका सेकेंड टर्म तो वन आ जाएगा, इतना तो क्लियर है। अपॉन वाला टर्म देखिए, पहली बार में एम आ रहा है, यहां एम प्लस वन आ रहा है, दूसरी बार में एम प्लस वन आ रहा है, तीसरी बार में एम प्लस टू आ रहा है, आप देखिए हर एक बार में अगर आप तीसरी बार कर रहे हो तो उससे एक कम आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, एम प्लस, और हमने इसको कितनी बार सॉल्व किया, अभी मैंने बोला एन माइनस वन टाइम्स हमने इसको सॉल्व किया, तो उससे एक कम कितना हो जाएगा, एन माइनस टू। ये सबसे मेन स्टेप है इसको समझने का, और जो टर्म यहां आ रहा है उससे एक टर्म ज्यादा यहां पे आ रहा है, तो इसमें अगर हम वन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वन अगर इसमें ऐड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस वन। सबसे मेन स्टेप यही है, अब बड़े इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर है इसका एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री से लेकर के कितना है, वन तक, सबका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको हम बड़े इजिली क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ रहा है, आप देखिए एम इंटू एम प्लस वन, एम प्लस टू से लेकर के एम प्लस एन माइनस टू, इसका बीटा फंक्शन का फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, जीरो से वन, एक्स की पावर क्या थी, एम प्लस एन माइनस वन माइनस वन, ये वाला माइनस वन, और वन माइनस एक्स की पावर कितनी है, वन माइनस वन डी एक्स, एन माइनस वन फैक्टोरियल। इस टर्म को मैं रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं लिखू, एम प्लस एन माइनस टू, फिर ऐसे करते करते क्या आ रहा है, एम प्लस टू आ रहा है, एम प्लस वन आ रहा है, और एम आ रहा है, ये तो इसकी पावर जीरो कितनी हो गई, वन हो गई, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो से वन, एक्स की पावर एम प्लस एन माइनस टू
dx. तो इसको देखिए अब n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस टू से लेकर के m प्लस टू, m प्लस वन और m, ये क्या बन जाएगा x की पावर m प्लस n माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन m प्लस n माइनस वन और लिमिट हो गई जीरो से वन. n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n, इसको अगर हम बाहर करते हैं क्योंकि इसमें तो लिमिट लगनी नहीं है, तो ये पहला टर्म है इसको सबसे पहले यहां लिख दे रहा हूं, उसके बाद क्या आ रहा है m प्लस n माइनस टू से लेकर के m प्लस वन m, और इसके लिमिट लगाएंगे तो हायर लिमिट में तो वन बन जाएगा, वन की पावर इतनी क्योंकि पॉजिटिव पावर है तो वन रहेगा, और लोअर लिमिट में जीरो बन जाएगा. तो अब ये टर्म हट गया इसमें से. इसको देखिए आप, ये सीरीज जो है एम तक जा रही है, अगर मैं इसमें एम माइनस वन से मल्टीप्लाई करूं और ऐसे करते करते वन तक मल्टीप्लीकेशन करता हूं, एम माइनस वन एम माइनस टू होते होते कहां तक जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये यहां से यहां तक मैंने मल्टीप्लीकेशन अपने खुद से किया हुआ है. जितना हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और आप इसको ध्यान से देखिए, एम माइनस वन से लेकर के वन तक इनका सबका मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा एम माइनस वन का फैक्टोरियल. अगर 14 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है तो 14 फैक्टोरियल बन जाना, तो ये m माइनस वन से लेकर के कहां तक है 1 तक का मल्टीप्लीकेशन. अब फिर से इस पूरी सीरीज को देखिए, m प्लस n माइनस वन इससे छोटे सारे टर्म्स कहां तक 1 तक, इनका सबका मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या बन जाएगा ये m माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल और अपॉन में क्या आ गया m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि ये टर्म और इसके बाद के सारे टर्म कहां तक 1 तक, सबका मल्टीप्लीकेशन इसमें आ रहा है. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, बीटा एम एन का. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों. बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हमने देखी, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई, एक स्पेशल काइंड का डेफिनेट इंटीग्रल होता है जिसमें आपको कंडीशन याद रखनी है कि एम और एन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. दो प्रॉपर्टीज मैंने बीटा फंक्शन की क्या बताई आपको, कि बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, यानी कि बीटा एम एन हम निकाल रहे हैं या बीटा एन एम निकाल रहे हैं, दोनों की वैल्यूज क्या आएगी, सेम आएगी. और दूसरी मेन प्रॉपर्टी है बीटा एम एन का फॉर्मूला हमने प्रूव किया, कि बीटा एम एन इज इक्वल टू एम माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसका मैंने पूरा प्रूफ करके आपको दिखाया. तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज है बीटा फंक्शन की जो आगे काफी यूज होने जा रही है. अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, उसमें हम बीटा फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे हम गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन एंड उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो आगे के जो वीडियोस हैं बीटा गामा फंक्शन के काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं.